Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमको शायद से रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट में एक बहुत ही बड़ा मैच दिख सकता है, जो कि हो सकता है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बिटवीन चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस द चैलेंजर द 16 टाइम WWE चैंपियन जॉन सीना। वैसे पॉसिबली हमको ये मैच रॉयल रंबल में होते हुए दिख सकता है। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप रोमन रेंस और जॉन सीना के बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, WWE हमको शायद से रॉयल रंबल में एक बहुत ही बड़ा, क्या कह सकते, एक मेगा मैच दिखा सकती है बिटवीन जॉन सीना एंड रोमन रेंस, क्योंकि गाइस WWE को शायद से रॉयल रंबल के लिए लग सकता है एक बड़ा मेन इवेंट। और अभी फिलहाल गाइस कंपनी में कोई सुपरस्टार है ही नहीं जो कि रोमन रेंस के लेवल पे है। गाइस मैं ऐसे कुछ ही स्टार्स को रखता हूं रोमन रेंस के ऊपर, उसमें से एक आते हैं जॉन सीना। तो अगर सर गाइस ये मैच रॉयल रंबल में, कैसे बहुत ही बड़ा मैच हो जाएगा, यानी कैसे एक साइड पे हो गए हमारे अभी के WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार वर्सेस ओल्ड टाइम के WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार जॉन सीना। लेकिन गाइस अगर मैं रिपोर्ट्स की मानता हूं कि शायद से हमको रोमन रेंज गाइस ये प्रीमियम लाइव इवेंट में उनके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रॉप करते हुए दिख सकते हैं। गाइस जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि WWE का ये प्लान चल रहा है कि WrestleMania 39 में रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच करते हुए दिखने वाले हैं। और अगर सर ये मैच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होता है तो ऑटोमेटिकली ये मैच बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। गाइस द रॉक बहुत ही बड़े आदमी है और उनका गाइस एक एक पल बहुत ही कीमती होता है। तो गाइस अगर सर वो WrestleMania के बाद एक थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा चीज रहेगा, और उनके लिए तो गाइस बहुत ही मुश्किल है, समझो गाइस जमीन आसमान का फर्क रहेगा द रॉक के लिए। इसलिए गाइस चांसेस कम है कि गाइस द रॉक अगर चैंपियनशिप के लिए मैच होते हैं कि वो मैच जीतते हुए दिखने वाला है। इसलिए गाइस मैच के प्रेडिक्टेबिलिटी कम करने के लिए WWE गाइस पॉसिबली ऐसा कर सकती है कि वो रॉयल रंबल के प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस से चैंपियनशिप लेके जॉन सीना को दे सकती है, जिससे कि हमको रोमन रेंस और द रॉक का मैच एक नॉर्मल सिंगल्स मैच होते हुए देख सकते हैं। और इससे गाइस बहुत ही बड़े बड़े चीजें हो सकते हैं। पहले तो गाइस रोमन रेंस 800 दिनों के बाद उनकी चैंपियनशिप हारेंगे और रोमन रेंस 1000 दिनों के बाद पहली बार WWE में पिन होते हुए भी दिखेंगे। और प्लस गाइस ये मैच में और एक हिस्ट्री मोमेंट देख सकता है, और वो रहेगा हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना बन जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, तभी वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हुए दिखेंगे। क्या पता है जॉन सीना अभी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है जो कि टाइड है रिक फ्लेयर के साथ। तो हमको पॉसिबली गाइस जॉन सीना अगर ये मैच में जीतते हुए दिखते हैं तो वो हमको WWE के पूरे हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन वाले आदमी बनते दिखेंगे, और तभी गाइस ये बनेगा हिस्टोरिक मोमेंट, तभी जॉन सीना पॉसिबली रोमन रेंस को हरा के बन सकते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।